गुजरात की इस धरती से संगीत भी निकलता है और रंग भी। पण ए आर्ट फॉर्म मा जानता लोको मात्र 20 वर्ष। रोगन आर्ट के बारे में लोगों को पिछले 20 सालों से पता लगा है। पहले ये कईयों के लिए रोजगार का जरिया था, लेकिन अब इससे दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। काम चालतो अब। लेकिन अब रोगन आर्ट लोगों को भाने लगा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले थे, तब उन्हें भी रोगन आर्ट से बनी पेंटिंग भेंट की थी। इसलिए खत्री परिवार अब एक कदम आगे बढ़कर इसे ऑनलाइन बाजार अमेज़न तक पहुंचा रहा है, ताकि इस कला को एक नया बाजार और नए कदरदान दोनों मिल सके। अपने परिवार की राय ली, उन्हें बताया कि कला को हम ऑनलाइन पोर्टल पर रखकर किस तरह कई और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो खुशी खुशी तैयार हो गए ये देखकर कि हम घर बैठे बैठे बाजार तक पहुंच सकते हैं। आज भले ही रोगन आर्ट के दिन फिर गए हों, पर अब्दुल गफूर खत्री ने रोगन आर्ट के अच्छे और बुरे दिन दोनों ही देखे हैं, लेकिन बुरे वक्त में भी ये कला उनके दिल के करीब ही रही है। मैं दिल से सोचता हूं और फिर हाथों से उसे खूबसूरत डिजाइन की शक्ल में उतार देता हूं। पहले रोगन आर्ट का इस्तेमाल दुल्हन के कपड़े बनाने के लिए होता था। फारसी में रोगन का मतलब होता है तेल। रोगन आर्ट के लिए चौक में कैस्टर का तेल मिलाकर पेंट किया जाता है। कैस्टर का तेल इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि गुजरात में कैस्टर की फसल ज्यादातर होती है। ईरान से आई इस कला को कच्छ में नई जिंदगी मिली है। अब देखना ये होगा कि दुनिया में इसे किस तरह पहचान मिलती है। खत्री परिवार को उम्मीद है कि रोगन आर्ट को पहचान और मुकाम दोनों मिलेगा।